वीके शर्मा राजेश खन्ना का गुरु मानते थे। अच्छा हाँ, वो भी थे। और कमाल जीनियस बॉर्न डायरेक्टर था वो, और बेहद हंसना वो करना। फिर मुसलमान लड़की से इश्क हुआ, लड़की भाग के आ गई, शादी की, दो बच्चे पैदा हुए, लेकिन हर जगह कामयाबी। राजेश खन्ना ने जू पर 2-बेडरूम फ्लैट लेके दिया उनको, उसमें अच्छा संभाला, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अल्कोहलिक हो गया अंदर से कुछ। जैसे आदमी मैं हूँ, मैंने मार्क्सिज्म पढ़ी है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मोटिवेशन है मेरे अंदर। मैं एक दिन दारू पी रहा था और नेक्स्ट डे कहानी का जो आइडिया था भूल गया, तो मैंने अपने आप से कहा दारू पीनी है, दारू पीने के लिखना है। मैंने दारू छोड़ दी, मैं दारू नहीं पीता। मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन जो है वो वी के शर्मा में नहीं थी। वो सिर्फ एक्टर था, डायरेक्टर था, कमाल का डायरेक्टर था। मेरे बहुत से प्ले वो उसने डायरेक्ट किए, बहुत से प्ले शुरू में, बाद में एक्टा में किए, आर एम सिंह ने डायरेक्ट किए। हम लोग इंटरकॉलेजिएट में प्लेस में मेरे प्ले होते थे, वो डायरेक्ट करता था। फिर राजेश खन्ना ऐसे ही हमारा दोस्त था, सड़कों पे बैठना, चर्च गेट में बाहर बैठे रहना, ये करना। फिर वो एक जगह वो उसको पिकअप किया गया, हीरो ले लिया, वो 10-20 थोड़ी सी पिक्चर चली, लेकिन ज़्यादा नहीं चली। बाद में फिर कामयाब हो गया, फिर सुपरहिट हीरो हो गया। सुपरहिट ऐसा हीरो हुआ, पहला सुपरस्टार। जब सुपरस्टार था उसने वी के शर्मा को एक फ्लैट लेके दिया, लेकिन वी के शर्मा अपने आप को नहीं समझ सको, वही है अल्कोहलिक हो गए, दिन में पीने लगे। यानी आप अपनी मर्जी के डायरेक्टर, पैसे की कमी नहीं, मुसलमान लड़की से करते थे, कामयाब हुए, शादी की, दो बच्चे पैदा किए, तो माधव चूंकि इसके बाद अल्कोहल पीने का क्या मतलब है और दिन में पीना।